Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 11th and it is our second chapter, that's name is the central problem of economy. Central problem of economy hamara second chapter hai. And our today's topic is what is an economy and problems. Economy kya hoti hai aur uski problems kya hai uske bare mein hum aaj understand karenge. To sabse pehle dekh lete hain what is एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? तो बेसिकली देखें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस. नॉर्मली अगर देखें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है. द ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वॉन्ट्स आर लिमिटेड. यानी कि अगर देखें तो आज के टाइम में ह्यूमन बींग्स के जो रिक्वायरमेंट है या वॉन्ट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है. एक लिमिटेड प्रोसीजर नहीं है उनके पास. लेकिन साथ ही साथ क्या सिचुएशन है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है. और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं? जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने का काम करते हैं. कहते हैं टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज क्रिएट अ प्रॉब्लम. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. अब अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करना क्या होता है? अगर उसको फुलफिल किया जाए तो वो एक प्रॉब्लम को जनरेट करने का काम करता है. कहता है दीज फैक्टर्स ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड द अनलिमिटेड नीड्स आर बोथ अप्लीकेबल इन द केस ऑफ फैमिलीज एंड इकॉनमी. और ये दोनों फैक्टर लिमिटेड और अनलिमिटेड, ठीक है, दोनों अप्लीकेबल होते हैं किस में? किसी भी फैमिली या फिर इकॉनमी के ऊपर. यानी कि फैमिली में भी देखें तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लेकिन यूटिलाइज करने वाले ज़्यादा होते हैं. सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ एक प्रॉब्लम है. और इसी तरीके से हमारी इकॉनमी में भी आता है. ठीक कहता है कि इनकम ऑफ अ फैमिली इज़ अनलिमिटेड. फैमिली की इनकम क्या है? लिमिटेड है. एंड द नीड्स आर अनलिमिटेड. जो नीड्स है फैमिली की वो अनलिमिटेड है. तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास लिमिटेड इनकम है और अनलिमिटेड नीड्स हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए. दूसरी देयर फॉर द अनलिमिटेड नीड्स ऑफ अ फैमिलीज कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद द बाई इट्स लिमिटेड इनकम्स. तो इस तरीके से देखें तो जो अनलिमिटेड, जो हमारे पास लिमिटेड इनकम है और अनलिमिटेड जो नीड्स हैं, हम लिमिटेड इनकम से उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते. ठीक इसी तरीके से द रिसोर्स ऑफ एन इकॉनमी आर ऑल्सो लिमिटेड. जो हमारी इकॉनमी का रिसोर्स है वो भी क्या है? लिमिटेड है. एंड ड्यू टू दिस लिमिटेड अवेलेबिलिटीज ऑफ द फैक्टर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर एन इकॉनमी टू प्रोड्यूस द ऑल कमोडिटीज इन सफिशियंट क्वान्टिटी. अब इस लिमिटेड फैक्टर्स की वजह से क्या है, एक इकॉनमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी क्वान्टिटी की रिक्वायरमेंट है उसको उस लिमिटेड अवेलेबिलिटी में क्या करे, प्रोड्यूस करके सफिशियंट क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस कर सके. फिर ये भी कहता है देयर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम एडजस्टमेंट ऑफ द लिमिटेड मींस आर द रिसोर्सेज विद द अनलिमिटेड वांट्स अराइज इन द इकॉनमी. अगर इस तरीके से देखें तो प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमम. अब इस तरीके से क्या प्रॉब्लम हमारी ऑप्टिमम होती जा रही, ज़्यादा होती जा रही है. किसको लेके? एडजस्टमेंट को लेके. यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करने का काम करते हैं. किसके भी हाथ पे? लिमिटेड रिसोर्सेज के भी हाथ पे और अनलिमिटेड वांट्स की रिक्वायरमेंट को फोकस करते हुए. यहाँ आगे ये भी कहता है द लिमिटेड फैक्टर्स गिव रेज टू द प्रॉब्लम्स. लिमिटेड फैक्टर्स क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं. किसका? दैट्स हाउ मच अमाउंट ऑफ अ रिसोर्स शुड बी यूटिलाइज फॉर द सेटिस्फाइंग द डिफरेंट वांट. अब ये इसमें कितना रिसोर्स को हम यूटिलाइज करें कि जो हमारी नीड है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकें, यानी अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें. तो कितने ऐसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर दिस वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब इसके लिए क्या होता है कि हम कौन सी ऐसी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करें जिससे हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए. इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इनफैक्ट द इकोनॉमिक स्टडीज दिस प्रॉब्लम्स ऑफ अ चॉइस विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और इकोनॉमी में इस प्रॉब्लम को जब स्टडी करते हैं, कौन सा प्रॉब्लम? इकोनॉमिक स्टडीज दिस प्रॉब्लम्स ऑफ अ चॉइस. इकोनॉमी क्या करती है? जो चॉइस वाली प्रॉब्लम है इसको स्टडी करने का काम करती है. और इकोनॉमिक्स में जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं. यानी कि हम जो चॉइस है उसको लेके जो स्टडी करते हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि अगर देखें तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या हमारी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस.
फिक कहता है दस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू द अनलिमिटेड अल्टरनेटिव ह्यूमन वॉन्ट्स। अब इस तरीके से क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंसर्न कहता है किस विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जो स्कार्स रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किसके सर कंपेयर टू द अनलिमिटेड अल्टरनेटिव ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स। अनलिमिटेड अल्टरनेटिव जो जरूरत है हमारे ह्यूमन वॉन्ट्स की, अनलिमिटेड जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ इसको कंपेयर करने का काम किया जाता है। इस तरीके से देखें तो बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इस तरीके से देखें तो जो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक प्रॉब्लम आता है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे कि पहले बताया गया क्या कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना उस लिमिटेड रिसोर्सेज से, ये जो प्रॉब्लम जनरेट होती है उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लैंग्वेज को फिर से थोड़ा सा एक शॉर्ट वी में देख लिया जाए, यहाँ पे कहा जाता है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स। हमारे पास वॉन्ट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं। ड्यू टू द अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज द एफर्ट्स आर मेड टू द क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द वॉन्ट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो अब यहाँ पे कह रहा है ड्यू टू द अल्टरनेटिव यूज, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव यूज है। कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज होने की वजह से क्या है कि हम क्या करते हैं, बैलेंस को क्रिएट करने का काम करते हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज में। दिस ड्यू टू दिस इफोर्ट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, और इस इफोर्ट की वजह से इस बैलेंस को मेंटेन करने की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होता है। यानी कि हम कौन सी ऐसी चीज़ को या कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें कि हमारा काम भी हो जाए और उस रिसोर्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल भी ना करें या बेसिकली उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहें। हम बात करते हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की अगर देखें तो लैंग्वेज तो सेम है, वही चीज़ें हैं, बस हम एक एरिक रॉल के डेफिनेशन की बात कर लें और थोड़ा सा लेफ्टविच की भी बात कर लेंगे। तो एरिक रॉल क्या कहते हैं, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस, चॉइस ऑफ द मैनर्स इन विच द लिमिटेड रिसोर्सेज विद द अल्टरनेटिव यूज आर डिस्पोज। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द हस्बेंड्रीज ऑफ द रिसोर्सेज। तो नॉर्मली यहाँ पे वही चीज़ कही जा रही है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एसेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है, वो इसमें क्या होता है, हमारा जो चॉइस होती है उसको मेंटेन करना होता है। और इसमें कहता है चॉइस ऑफ अ मैनर्स, जिसमें हम चॉइस को मेंटेन करते हैं, चॉइस को इस मैनर्स में यूज करते हैं जिसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। तो लैंग्वेज का सेंस मतलब है। लेफ्टविच भी क्या कहते हैं, लेफ्टविच कहते हैं अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज अमंग द अल्टरनेटिव ह्यूमन वॉन्ट्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि एक कंसर्न ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव ह्यूमन वॉन्ट्स के अल्टरनेटिव वॉन्ट्स, ह्यूमन के अल्टरनेटिव वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए, जो डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, एंड यूजिंग दीज रिसोर्सेज टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग द वॉन्ट्स एज फुल एज पॉसिबल। तो और इन रिसोर्सेज को, जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके या उसको सेटिस्फाई करने में पॉसिबली रोल प्ले कर सके। तो ये हमारा इन शॉर्ट अगर देखें तो जो डेफिनेशन का रिजल्ट आता है वो ये कहता है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज व्हेन द लिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज आर द सब्जेक्ट टू द ऑप्टिमम यूज ऑफ सेटिस्फाइंग द ह्यूमन अनलिमिटेड वॉन्ट्स। यानी कि ह्यूमन के अनलिमिटेड वॉन्ट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सब्जेक्ट मान के स्टडी करने का काम करते हैं, जिस जो हमारे क्या होता है, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है या फिर कहिए कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज या फिर What are the cause of economics and economic problem? क्या रीज़न होता है एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए या क्या रीज़न से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं। तो यहाँ पर कहता है What are the cause of economics problems? तो पहला unlimited wants, अगर देखें तो थोड़ा सा unlimited wants हमारा पहला आता है।
ठीक है। तो अनलिमिटेड क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, जब ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, उसकी एक चीज़, एक विश पूरी होती है तो दूसरी जनरेट हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जनरेट हो जाती है, तीसरी पूरी है, चौथी, ऐसे वो लगातार क्या करता है, एक के बाद एक विश को जनरेट करना शुरू कर जाता है। तो यहाँ पे कहता है ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड, न्यू वॉन्ट्स अराइज एज सून एज वॉन्ट ही गेट द सेटिस्फाई, यानी कि जैसे ही एक जरूरत उसकी पूरी होती है, नई जरूरत उसकी रेस कर जाती है, और दस ऑल द ह्यूमन वॉन्ट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई। अगर इस तरीके से देखें तो ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कह सकता, यानी कि ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरे पास साइकिल नहीं है तो मैं साइकिल की विश करूँगा, साइकिल होते हुए स्कूटर की विश करूँगा, स्कूटर होते हुए बाइक की विश करूँगा, बाइक होते हुए फोर व्हीलर्स की विश करूँगा, और ऐसे ही हमारी जो डिज़ायर है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी, यानी एक के बाद एक चीज़ें जो हमारी हैं हमारे विश में आती चली जाएंगी और हम उसको फुलफिल करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। इस वजह से अनलिमिटेड वॉन्ट्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के वॉन्ट्स को कभी पूरा नहीं कहता। दूसरा, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स, जो इंटेंसिटीज है हमारी, जो इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स है, यानी कि अगर देखें तो सिचुएशनल कहता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स डिफर फॉर द डिफरेंट गुड्स, ठीक है, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग है। जैसे हमारा, हमको चौक चाहिए तो इसके लिए हम कितने तत्पर हैं, हम कितने इसके लिए ललायित हैं, हम कितना मतलब इसके लिए तैयार हैं कि हमको ये गुड्स चाहिए। ये भी क्या होता है, एक ह्यूमन वॉन्ट्स की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है। द फ्यू वॉन्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन एंड लेस इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ किसी के लिए, जैसे मेरे लिए चौक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसको यूज करके आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नहीं पढ़ाता उसके लिए ये यूजलेस है, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहाँ पर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंस एवरी पर्सन कीप हिज अनलिमिटेड वॉन्ट्स ऑन द डिफरेंट प्रियोरिटी बेसिस। तो अब इस वजह से क्या होता है कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, इस तरीके से अपने इंपॉर्टेंस को क्रिएट करते हुए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी प्रियोरिटी को मेंटेन करता है और अपने सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने का काम करता है अपनी प्रियोरिटी के साथ। दूसरा, लिमिटेड या फिर स्कार्स रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स। जब लिमिटेड रिसोर्स की बात करें तो नेचुरली देखें, हम कोई नई चीज़ बनाने का काम नहीं करते, हम दुनिया में जो चीज़ पहले से ही नेचर ने हमें दे रखा है हम उससे मॉडिफिकेशन करके नई चीज़ों को इन्वेंट करने का काम करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली देखें तो हम कुछ अपने तरीके से कुछ नए इन्वेंशन को करने का काम नहीं करते। हम देखें तो अगर हमारा मिनरल ऑयल है तो हम उसको नॉर्मली क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करके हम यूजेबल बनाते हैं, तो हम नेचर ने हमको उसको दिया हुआ है। प्लांट को हम कट करके नए नए डिज़ाइन के टेबल, मेज, मतलब टेबल हो गया आपका, कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, तमाम तरह की चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी नेचर में हमने उसको मॉडिफाई बस किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि अनलिमिटेड और द स्कार्स रिसोर्सेज इंडिकेट दैट देयर डिमांड एक्सीड देयर सप्लाई। ये साफ साफ बताते हैं कि जो इंडिकेट है, या कह रहे हैं ना कि द स्कार्स रिसोर्सेज इंडिकेट दैट देयर डिमांड्स एंड एक्सीड देयर सप्लाई। ये साफ साफ बताते हैं कि उनकी जो डिमांड है वो क्या है, ज्यादा है किससे, उनकी सप्लाई से। यानी कि अगर इसको देखें, डिमांड ऑफ रिसोर्स इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर डिमांड क्या हो, सप्लाई से ज्यादा हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं स्कार्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है जिसकी हम मार्केट में या लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। यानी कि रिसोर्स डिमांड का सेंस वांट्स, आपके वांट्स ज़्यादा होंगे और रिसोर्सेज क्या होंगे, कम होंगे। तो जब रिसोर्सेज कम होंगे तो हमेशा ये स्कार्सिटी बनी रहेगी। अब बात करता अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की, अगर हम बात कर लें तो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम क्या करते हैं, हर वक्त ये सोचते हैं कि किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितने से उसकी यूटिलिटी भी बनी रहे, उसकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे और हमारी ज़रूरत भी पूरी होती चले। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, कार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कार आजकल इलेक्ट्रिक कार आनी शुरू हो गई है,
ठीक है, जिसमें हम जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे कह रहा है द रिसोर्स आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे हैव अल्टरनेटिव यूज ऑल्सो। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंस समझिएगा कि जो हमारे पास रिसोर्स है वो केवल लिमिटेड नहीं है लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूज भी हैं। जैसे हम पेट्रोल की बात कर लें तो पेट्रोल में क्या, हम पेट्रोल बाइक में भी डालते हैं, कार में भी डालते हैं। इसके साथ डीजल की बात कर लें तो डीजल लोग कार में भी डालते हैं, जनरेटर में भी डालते हैं, पंपिंग सेट में भी डालते हैं, ठीक है, और भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रोडक्ट है और अलग अलग यूज़ हैं, तो बहुत सारे यूज़ होने की वजह से क्या होता है, उसका कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। फिलहाल लैंग्वेज देते हैं। फॉर द एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड इन फैन। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, फैन में यूज़ कर सकते हैं, कूलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ देखिए एक आइटम है और उसको डिफरेंट वे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन दिस इन दिस केस द ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस अराइज। अब यहाँ पे भी क्या है, प्रॉब्लम है कि हमको किस में कितना ज़्यादा इस्तेमाल करना है। द हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन डिफरेंट अल्टरनेटिव यूज। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि अलग अलग अल्टरनेटिव यूज में हम किसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर अब आ जाता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हम कौन सी चीज़ को यूज करें। तो हमने कहता नो पर्सन और द फैमिली और द कंट्री कैन फुलफिल ऑल इट्स डिमांड और द वांट्स थ्रू द लिमिटेड रिसोर्सेज। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी कंट्री, कोई भी पर्सन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से सारे डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। दस दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस। इस वजह से उनको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना पड़ता है। विच रिसोर्स टू बी यूज इन सेटिस्फाइंग विथ वॉन्ट एंड इन विच क्वान्टिटी। तो ये क्या करते हैं, ये अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं किसमें, वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए जिससे ज़रूरत हमारी पूरी हो जाए और साथ ही साथ किस क्वान्टिटी में वो हो जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। देन आफ्टर ये कहते हैं अदर वर्ड द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस अराइज एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस इज ऑल्सो इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और यहाँ पे इस तरीके से देखें तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फिर अराइज होता है कि हम कौन से चीज़ को यूज करें, कौन से अल्टरनेटिव्स को यूज करें और किस क्वान्टिटी में यूज करें कि हमारी सेटिस्फैक्शन भी पूरी हो जाए और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो भी मेनटेन रहे। और ये प्रॉब्लम जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ कुछ समरी है, थोड़ा सा इस समरी को समझ लिया जाए। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक मैप बनाया गया है कि वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, क्यों अराइज होता है भाई, क्या रीज़न है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास क्या है, वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो जब रिसोर्स कम होगा और वांट्स ज़्यादा होगी, यानी कि W यानी कि वांट्स ज़्यादा हो, R यानी रिसोर्स कम हो, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होगी। आई होप सो आपको क्लियर होगा कि जब अनलिमिटेड वांट्स हमारे पास होंगे और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना अपने आप में एक प्रॉब्लम होगा जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अरेस्ट करेगा। ठीक है, द डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ प्रॉब्लम चॉइस ऑफ प्रायोरिटीज़ कि हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ये भी एक प्रॉब्लम को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है, मतलब जनरेट करता है। और यहाँ पे कहता है तो यहाँ पे डिफरेंट इन इंटेंसिटीज ऑफ वांट्स, अलग अलग इंटेंसिटीज होती है अलग अलग जरूरतों को। फिर कहता है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम एक ही रिसोर्सेज को अलग अलग यूजेस पे या अलग अलग प्रोडक्टिविटी पे या अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहाँ पे कहता है चॉइस ऑफ द प्रायोरिटीज, और यहाँ कहता है चॉइस ऑफ द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि चॉइस ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम किसको कितने ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कहता है कि इसकी प्रायोरिटी कितनी है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फिर जनरेट करने का काम करते हैं। और इस तरीके से कहता है डॉन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इस तरीके से ये सब मिलके क्या करते हैं, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट करने का काम करते हैं। और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहलाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहलाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरीज, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।